हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस कैंडलस्टिक सीरीज में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार, जिसमें आप लोगों का सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा कि इन्वर्टेड हैमर से हमें टेड कैसे लेना रहता है और शूटिंग स्टार से कैसे हमें वर्क करना रहता है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका सारा कन्फ्यूज़न इस वीडियो में दूर हो जाएगा भाई। आपको और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। गाइज, आप देख सकते हैं बुलिश कैंडल, बेरिश कैंडल एंड बुलिश ट्रेंड एंड बेरिश ट्रेंड, फ्लैट मार्केट, ये सब आपको जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल सी बात है। आपको ये सब जानकारी रहेगा तभी आप इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार को अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरीके से कहाँ बने तो हमें वो ट्रेड लेना रहता है, किस तरीके से वर्क करता है। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम इसमें, आपको 1 मिनट में हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं मोटा मोटा कि बुलिश कैंडल क्या होता है और बेरिश कैंडल क्या होता है। बाकी चीज़ें हम लोग फटाफट देख लेते हैं गाइज। जैसा कि गाइज आप देख सकते हैं कि ये एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है और ये बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट में कभी भी अगर आपको यहाँ पे अगर बुलिश कैंडल आपको दिखाई पड़ेगा तो वो ग्रीन कैंडल होगा। बुलिश कैंडल हमेशा ग्रीन कैंडल होता है और जो बेरिश कैंडल होता है वो रेड कैंडल होता है। बुलिश कैंडल में मार्केट ओपन होता है नीचे और क्लोज हो जाता है ऊपर। उसके ऊपर जो विक होता है यहाँ पे हाई हो जाता है, इसके नीचे विक बन जाता है, यहाँ पे लो हो जाता है गाइस। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि मार्केट जो रेड होता है यानी कि जो बेरिश कैंडल स्टिक है, इसमें आपका ओपन होगा ऊपर, यानी रेड कैंडल अगर फॉर्म होगा तो ओपन ऊपर होगा, उसके बाद में नीचे क्लोज हो जाएगा तो ये रेड कैंडल हो जाएगा। इसके ऊपर जब बन जाएगा विक तो यहाँ पे हाई हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके नीचे ये भी विक है, हम इसको इसको विक बोलते हैं और टेल भी बोल सकते हैं और हम इसको शैडो भी बोलते हैं गाइज। तो यहाँ पे लो हो जाएगा नीचे। तो इस तरीके से आपको मार्केट में बेरिश और बुलिश कैंडल बनता हुआ दिखाई पड़ता है गाइज। तो हम लोग यहाँ पे बुलिश एंड बेरिश कैंडल के बारे में देख चुके हैं गाइज। चलिए गाइज, अब हम लोग देख लेते हैं बुलिश ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड फ्लैट मार्केट। जैसा कि गाइज आप देख सकते हैं कि हायर हाई अगर मार्केट में बनाते हुए ऊपर जा रहा मार्केट, मार्केट अगर हाई हाई बना के हुए मार्केट में अगर ऊपर जा रहा है तो आप देख सकते हैं इसको हम लोग बुलिश ट्रेंड बोलते हैं, यानी अप ट्रेंड इसको हम लोग कंसिडर करते हैं। मार्केट में एक दूसरे का जो स्विंग है वो ब्रेक नहीं करता है, देख सकते हैं इससे मार्केट ऊपर निकल रहा है, यानी कि मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। तो इस तरीके को हम लोग अप ट्रेंड बोलते हैं। और हम लोग डाउन ट्रेंड चलिए देख लेते हैं गाइज। गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोअर लो एंड लोअर हाई, मार्केट में आप देख सकते हैं कि लोअर लो एंड लोअर हाई बनाता हुआ मार्केट नीचे की साइड जा रहा है। जब मार्केट नीचे की साइड जाता है इसको हम लोग डाउन ट्रेंड कंसिडर करते हैं। इसको हम लोग डाउन ट्रेंड के बारे में बोलते हैं कि मार्केट नीचे जा रहा है तो डाउन ट्रेंड में जा रहा है गाइज। इस तरीके से डाउन ट्रेंड होता है। अब आप देख सकते हैं कि मार्केट में फ्लैट मार्केट किस तरीके का होता है गाइज। जब मार्केट किसी रेंज में फंसा रहता है, जैसे आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे ना मार्केट ऊपर जा रहा है ना मार्केट नीचे जा रहा है, यानी कि किसी रेंज में जब मार्केट ऐसे फंसा रहता है, यानी कि यहाँ पे रेसिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट एरिया के बीच में मार्केट फंसा रहता है तो हम लोग इस पे इसको फ्लैट मार्केट बोलते हैं, यानी साइड वेज में मार्केट। इसका मतलब मार्केट साइड वेज है, ना ऊपर निकल रहा है ना नीचे निकल रहा है, तो मार्केट ऐसे में साइड वेज हो जाता है तो हम लोग इसको साइड वेज कंसीडर कर सकते हैं गाइज। तो गाइज चलिए हम लोग इतना देख लिए हैं फटाफट। अब इसके बाद हम लोग इन्वर्टर हैमर और शूटिंग स्टार के बारे में बात कर लेते हैं, वो किस तरीके से वर्क करता है एग्जाम्पल भी देख लेते हैं गाइज। इन्वर्टर हैमर और शूटिंग स्टार देखने में एक जैसा ही लग रहा है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि सेम टू सेम ये शूटिंग स्टार और इन्वर्टर हैमर देखने में एकदम सेम टू सेम लग रहे हैं, लेकिन इसका वर्क अलग है गाइज। जैसा कि आपको पता है कि अगर मार्केट में अगर मार्केट ऊपर जा रहा है यानी अप ट्रेंड में है तो अगर यहाँ पे आपको शूटिंग स्टार बनता हुआ दिखाई पड़ता है, ठीक है। अगर आपको मार्केट में मार्केट अगर अप ट्रेंड जा रहा है तो मार्केट में अगर अप यानी कि आपको टॉप पे शूटिंग स्टार बनता हुआ दिखाई पड़ता, कलर का कोई मैटर नहीं करता, चाहे आपको ग्रीन बन जाए चाहे आपका रेड बन जाए, तो भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि मार्केट में अगर इसका जैसे लो ब्रेक करता है तो यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस रखकर आप मार्केट में शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे आपका शूटिंग स्टार ये काम करेगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा है, जिस तरीके से मार्केट अगर नीचे जा रहा है, यानी कि आपका मार्केट जो है यानी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ पे अगर आपको शूटिंग स्टार बनता हुआ दिखाई पड़ता है, मार्केट में इसका बिग है लंबा होना चाहिए, इससे पता चलता है कि यहाँ पे बायर कितना एक्टिव हुए हैं। और जैसे ही अगर ये हाई को अगर ब्रेक कर देता है कोई ग्रीन कैंडल, जैसे इसके हाई को ब्रेक कर देता है
तो हम उसको इन्वर्टर हैमर कंसीडर कर सकते हैं। इसका इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे हम लोग लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। गाइस इन्वर्टर हैमर इस तरीके से वर्क करता है गाइस। चलिए हम लोग एग्जांपल के तौर से देख लेते हैं कि किस तरीके से मार्केट में काम करता है और हमें ट्रेड कैसे लेना रहता है गाइस। गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कोई भी कैंडल का कोई हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ पे ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। मैंने पहले बताया है आप लोगों को कि जैसे ही अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चलता है, मार्केट में अगर डाउन ट्रेंड चलता है और कोई भी इन्वर्टर हैमर होता है, यानी कि इन्वर्टर हैमर और शूटिंग स्टार दिखने में सेम एक जैसे होते हैं, कलर का कोई मैटर नहीं करता है। मार्केट में अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट में अगर यानी कि बॉटम में अगर बॉटम में किसी भी सपोर्ट एरिया पर किसी भी एक पर्टिकुलर जो सपोर्ट एरिया होता है उस सपोर्ट एरिया पे यानी कि आपको इन्वर्टर हैमर अगर बनता हुआ दिखाई पड़ता है, ठीक है, और जैसे उसका हाई ब्रेक करता है मार्केट, जैसे उसका हाई ब्रेक करता है किसी सपोर्ट एरिया पे और इन्वर्टर हैमर बनता है उसका इसका इसका हाई ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। इसका हाई अगर ब्रेक कर देता है तो मार्केट में आप ट्रेंड यानी कि आपको ट्रेंड चेंज हो ट्रेंड को चेंज होता हुआ आप देख सकते हैं मार्केट में। यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं, इसके इसके नीचे स्टॉप लॉस रखकर यहाँ पे आप इस कैंडल में बाई कर सकते हैं और मार्केट को आप यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगा यानी कि ट्रेंड यहाँ से चेंज हो जाता है गाइस। इस तरीके से आपका इन्वर्टर हैमर काम करता है गाइस। इस तरीके से हमें ट्रेड लेना रहता है। और दूसरा हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं गाइस। गाइस आप इस चार्ट में देख सकते हैं, जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं यहाँ पे एक इन्वर्टर हैमर बना हुआ है, मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ रहा है और यहाँ पे जो इसका हाई इसका जो लो है आप देख सकते हैं, इसका जो लो है मार्केट यहाँ ब्रेक भी नहीं किया है और यहाँ पे एक छोटा सा आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इन्वर्टर हैमर बनता हुआ दिखाई पड़ा, ठीक है। जैसे इन्वर्टर हैमर को मार्केट यहाँ ग्रीन कैंडल से ब्रेक किया और मार्केट में आप देख सकते हैं इसकी कितनी लंबी रैली देखने को मिली, यानी कि इस तरीके से आपको इन्वर्टर हैमर काम करेगा। अगर वो टॉप पे बनेगा तो शूटिंग स्टार हो जाएगा, अगर वो बॉटम में बनेगा तो इन्वर्टर हैमर वर्क करेगा इस तरीके से गाइस। गाइस चलिए हम लोग देख लेते हैं शूटिंग स्टार किस तरीके से वर्क करता है। जैसा कि गाइस आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि मार्केट में जब कभी भी अप ट्रेंड चलता है, ठीक है, मार्केट में कभी भी अगर अप ट्रेंड चल रहा है और मार्केट में अप ट्रेंड के ऊपर यानी कि टॉप पर अगर शूटिंग स्टार आपको बनता हुआ दिखाई पड़ता है या रेड में बने या ग्रीन में बने उसका कलर का कोई मैटर नहीं करता है। जैसा कि आपको पता ही है कि जब इस तरीके से आपको यानी कि आपको टॉप पे शूटिंग स्टार बनता हुआ दिखाई पड़े तो यानी कि आप यहाँ पे आप एक्टिव हो जाइए, आप यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड यानी कि सेल कर सकते हैं। मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, यानी कि आपको पहले इसको देखना पड़ेगा कि टॉप पर ही बनना चाहिए, तब यहाँ पे शूटिंग स्टार अगर टॉप पे बनता है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि मार्केट जैसे ही शूटिंग स्टार बनाया और इसका लो जैसे ही ब्रेक हुआ उसके बाद में आप तो देख सकते हैं कि जो ट्रेंड है रिवर्स हो गया है, यानी कि डाउन ट्रेंड में चला गया मार्केट, अप ट्रेंड था यहाँ से डाउन ट्रेंड हो गया। तो इस तरीके से मार्केट में काम करता है शूटिंग स्टार गाइस। और मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरा एग्जाम्पल के तौर पर। दोस्तों इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि जो ट्रेंड है यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है और मार्केट ये यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया। आप कैंडल देख सकते हैं ये ग्रीन कैंडल है, कैंडल चाहे ग्रीन कैंडल हो चाहे रेड कैंडल हो मार्केट काम सेम टू सेम वही करेगा। दोस्तों अगर रेड कैंडल बनता है तो और बेटर है और मस्त और बढ़िया है, अगर अगर ग्रीन कैंडल बन जाता है तब भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं शूटिंग स्टार, लेकिन अगर रेड कैंडल बनता है तो भी बेस्ट है। आप इसका देख सकते हैं इसका जैसे लो ब्रेक किया उसके बाद में यहाँ पे डाउन ट्रेंड फिर शुरू हो गया। तो इस तरीके से शूटिंग स्टार वर्क करता है गाइस। चलिए गाइस हम लोग लाइव मार्केट में यहाँ पे देख लेते हैं, कुछ शूटिंग स्टार के बारे में आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मार्केट में बनता है। जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस ये अभी आज की मार्केट यानी कल की मार्केट है, कल की मार्केट में कहाँ कहाँ शूटिंग स्टार बना और किस तरीके से वर्क किया गाइस आप देख सकते हैं। सेम टू सेम जैसे मैंने एग्जाम्पल में दिखाया था आप वहाँ पे शूटिंग स्टार देखे थे, यहाँ पे आप देख सकते हैं शूटिंग स्टार जैसे ही मार्केट में बना और इसका लो ब्रेक किया मार्केट सीधा नीचे की साइड आने लगा। फिर आप देख सकते हैं शूटिंग स्टार आपको फिर यहाँ पे बनता हुआ दिखाई पड़ा, फिर यहाँ से मार्केट नीचे आया, यानी कि मार्केट शूटिंग स्टार अगर बनता है तो मार्केट नीचे इस साइड में आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से मार्केट नीचे आया शूटिंग स्टार ने आपको बना। तो गाइस इस तरीके से शूटिंग स्टार मार्केट में बनता रहता है और मार्केट में ट्रेड आपको मिलते रहेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेड मिलेंगे शूटिंग स्टार पर। दोस्तों शूटिंग स्टार बहुत ही पावरफुल बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, मार्केट में इस तरीके का आपको ट्रेड बहुत मिलेंगे शूटिंग स्टार पर। और आप यहाँ आपको यहाँ पे समझना होगा कि किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर
फिर मिलते हैं आपको दूसरी कैंडलस्टिक पैटर्न को लेकर अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एंड जय भारत।